एलआईसी जी ने एक शर्त दी है पंचम को, शर्त लगाई है पंचम के साथ कि पंचम को एक भूत वाला एक पेड़ है जिसके बारे में मान्यता है कि वहाँ पे जाओ तो आपको भूत मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ करना है। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ उस पेड़ के पास और किसी तरह से शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उतने में मैं ऊपर देखता हूँ और देखता हूँ कि एक चुड़ैल जो है ऊपर बैठी हुई है पेड़ पे, और वो एकदम से ऊपर से आती है और मेरे पीठ पे लद जाती है, एज इन पंचम के पीठ पे। और बेसिकली यही हो रहा है कि इलायची और सुनीता और पिंटू इन लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया है और पंचम का बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, एज इन पंचम को नहीं पता कि उसका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो तो सच में समझ रहा है कि चुड़ैल ही है, और ये उन लोगों का प्लान है ताकि उस चुड़ैल को पीछा छुड़ाने के लिए मैं इलायची जी से प्यार करूं, तभी वो चुड़ैल पीछे जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक लड़की से प्यार करना ज़रूरी है। तो इस प्लानिंग के हिसाब से उन लोगों ने हमारे ऊपर ये प्लान किया, प्रैंक किया है पंचम के ऊपर। तो बस ये हो रहा है सीन। हाँ, पंचम तो बहुत डरा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली उसके ऊपर एक चुड़ैल आ गई है, तो ही इज़ वेरी स्कैर्ड एंड ही इज़ इंटिमिडेटेड, और किसी तरह से वो इस सिचुएशन से गुजर रहा है और पिंटू के साथ सलाह ले रहा है कि हाउ डू आई गो अबाउट इट, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ हर। तो इस बीच वो सलाह देता है कि किसी लड़की से प्यार करना पड़ेगा तो ये दूर हो जाएगी। और बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, उनका प्लान है कि इलायची जी के करीब दोबारा लाएं क्योंकि पंचम की याददाश्त आ चुकी है इसलिए। सो